हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप मैट्रिक इंटरमीडिएट 2024 में पास आउट किए हैं और अभी तक स्कॉलरशिप के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो चेंज कर दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट की गई थी और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 मई 2024 रखी गई थी, जिसकी डेट जो है अब 15 जून 2024 कर दी गई है। तो आप लोग जल्द से जल्द जो है, अगर आप 2024 में मैट्रिक पास आउट किए हैं और 10,000 की सहायता राशि लेने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। उसी तरह से इंटरमीडिएट अगर आप पास आउट किए हैं, 2024 में पास आउट किए हैं, तो इसके तहत भी जो है लड़कियों को जो है स्कॉलरशिप की राशि मिलती है 25,000 रुपये की। उसके लिए भी जो डेट है वो 31 मई 2024 रखी गई थी, जिसकी डेट जो है 15 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट किए हैं, अभी तक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। उसी तरह से तीसरी स्कॉलरशिप जो है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्राएं जो है, अगर आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से इंटरमीडिएट पास आउट किए हैं, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप की जो डेट है वो 15 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आप इंटरमीडिएट 2024 में पास आउट किए हैं, एससी एसटी हैं, तो आप दोनों स्कॉलरशिप फिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, दोनों स्कॉलरशिप का जो है लाभ आप ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, स्टेटस कैसे देखेंगे, उसकी सारी डिटेल्स के लिए प्लेलिस्ट जो है स्कॉलरशिप रिलेटेड बनी हुई है, उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा। आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसी तरह की नई अपडेट की जानकारी चाहिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और वो भी फॉर्म को फिल कर पाएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।